शुजालपुर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। न्यायालय परिसर में अभिभाषक संघ के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सभी 13 लोगों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। तो वहीं अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अजय पाल जादौन ने कहा कि सीडीएस रावत की मौत दुखद है, उनका निधन देश की सुरक्षा तंत्र के लिए भारी क्षति है। न्यायपालिका एवं पक्षकार और सभी के ओर से न्यायालय परिसर में यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम देश के उन महान वीर सपूतों के शी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आयोजित की गई है। हमारे आज उन महान आत्माओं के प्रति हम नतमस्तक हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी शहादत दी। जनरल देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने इस देश की सैन्य सुरक्षा को जो मजबूती प्रदान करी और देश में जो सैनिकों के लिए सैन्य शिक्षा और उसको बहुत जो देश को मजबूती प्रदान करी उसके लिए पूरा देश कृतज्ञ रूप उनके उनके प्रति पूरा कृतज्ञ राष्ट्र का मस्तक है।